हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल बिजनेस सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में देखने वाला है सेमेस्टर 3 मेजर पेपर 5 का पॉलिटिकल साइंस का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि सेमेस्टर 3 में जो हम मेजर 4 का बताया था वो सारा का सारा क्वेश्चन मिला था, चाहे वो 1 मार्क्स का हो, चाहे वो 5 मार्क्स वाला हो, चाहे वो 15 मार्क्स का हो, सारा का सारा क्वेश्चन मिला था। एक भी ऐसा नहीं था कि हमारा बताया गया क्वेश्चन से बाहर था, नहीं, सारा बताया गया था। ठीक है, चलिए तो देखते हैं मेजर 5 का पॉलिटिकल साइंस का, और इसको हम लास्ट में आपको सिलेबस भी दिखा देंगे ताकि आपको ये पता चल जाए कि सारा क्वेश्चन सिलेबस से ही है। ठीक है, देखिए भारत में स्थानीय स्वशासन के विकास पर एक निबंध लिखें, ये आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 73वें संविधान संशोधन की विशेषताओं का वर्णन करें। अब देखिए दोस्तों, ये सब क्वेश्चन का आंसर मैं करवा दूंगा, आप हम पे डिपेंड रहें। ठीक है, टेंशन नहीं लीजिए, मैं सभी क्वेश्चन का आंसर करवा दूंगा। ठीक है, और हाँ, इनमें से भी जितना हम क्वेश्चन सेलेक्ट कर रहे हैं ना, हो सकता है कि उनमें से भी जो ज़्यादा ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगे उन्हीं का हम वीडियो बना दें तो और फायदा हो जाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 374वें संविधान संशोधन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। ठीक है, एंड नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन के गठन और शक्तियों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 5 जन सहभागिता से आप क्या समझते हैं, प्रशासन में इसके महत्व की विवेचना करें या तो फिर स्थानीय स्वशासन में जन सहभागिता का वर्णन करें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 झारखंड में ग्रामीण स्थानीय स्वशासन में महिला आरक्षण की स्थिति या संभावना का परीक्षण करें, या तो फिर ग्रामीण के जगह में आपको पंचायती राज व्यवस्था भी ऐसा दे सकते हैं। ठीक है, कि पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण और स्थितियों की संभावना का परीक्षण करें। ठीक है, चलते हैं 7th क्वेश्चन की ओर। 7th क्वेश्चन में बताइए कि स्थानीय स्वशासन के स्वायत्तता से आप क्या समझते हैं। ठीक है, यानी आपको यहाँ पर स्वायत्तता का अर्थ बताना है। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 हमारा बलवंत राय मेहता कमेटी के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना करें। जो बलवंत राय मेहता है इसके कमेटी के प्रमुख प्रावधानों की विवेचना करना है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा नगर पालिका क्या है इसके कारण शक्तियों का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 10 झारखंड में नगर निगम के गठन शक्ति और कार्य का वर्णन करें। ठीक है, चलिए यहाँ से ही हो गया आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे झारखंड में ग्राम पंचायत। अब देखिए दोस्तों, ये सब जो क्वेश्चन लिया गया ना, ये आप लोग नहीं समझेगा कि बुक से एक आध दो क्वेश्चन ऐसा जो अलग दिख रहा है, नहीं, आप बुक पे मत जाओ। हम इस क्वेश्चन को तैयार किए प्रीवियस ईयर में जो पेपर पूछा गया, ठीक है, उसी टाइप से हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिए। ठीक है, अगर विश्वास नहीं तो जा करके आप देखिए, सर्च कीजिए सेमेस्टर 1 कोर 2 CORE कोर 2, पीछे कोर 2 कोर 3 वाले स्टूडेंट को जब पढ़ना था ना तो उसमें पेपर में पूछा गया यही सिलेबस सेम। ठीक है, नेक्स्ट है 100 टाइप्स का क्वेश्चन झारखंड में ग्राम पंचायत, दूसरा है पंचायती राज व्यवस्था, तीसरा है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, और चौथा ग्राम सभा, एंड पांचवा है नगर पालिका क्या स्रोत, और छठा 12वीं अनुसूचित की कार्य। अब इतना सारा क्वेश्चन कैसे किया जाएगा इतना कम टाइम में, इसमें भी सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन सा है, इस सभी का वीडियो मैं आपको जल्द दूंगा। मतलब कि मैं जिस क्वेश्चन का आंसर बनाऊंगा आपको वही देखते हुए जाना है। ठीक है, जो क्वेश्चन का आंसर का हम वीडियो डालेंगे वही आपको क्या करना है, वीडियो देखना है। ठीक है, MCQ क्वेश्चन वगैरह भी कराएंगे, सब कुछ कराएंगे, और जितना से जितना हो सकता है दोस्तों में क्या कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है, अपने अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों के पास ये पहुंच सके और मैं आप लोगों के लिए मेहनत कर सकूं। बाकी इसका सिलेबस की बात करें, देखिए दोस्तों, तो जो क्वेश्चन में दिया गया उसी के अंदर से सिलेबस है हमें, देखिए। ठीक है, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, 73वें संविधान संशोधन, 74वें संविधान संशोधन, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन, शहरी स्थानीय स्वशासन। ठीक है, एंड नेक्स्ट आपका जन सहभागिता और स्थानीय स्वशासन, पंचायती राज व्यवस्था पर महिला कोटा प्रभाव, एंड नेक्स्ट है स्थानीय स्वतंत्रता। ठीक है, तो इस प्रकार से ये वीडियो हमारे यहाँ पे खत्म होता है दोस्तों। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।